हेलो यूट्यूब, हाउ आर यू डूइंग? वेल, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राइट नाउ अभी कुछ भी राइड वगैरह का प्लान नहीं है। एक्चुअल में मैं ऐसे जा रहा था, रिफ्यूल वगैरह कराना मेरे को आरसी में। सो बहुत तेल खाती है भाई लोग, ये गाड़ी बहुत ज्यादा तेल खाती है ये बाइक, रिफिल कराना मस्ट है। सो काफी दिन के बाद निकाल रहा हूँ मैं। एक्चुअल में शिमला गया था, मैं शिमला ट्रिप में तो लेके गया था एक बार इसको एंड एक बार बेला को। सो अभी कल परसों में मैं वापस आया हूँ शिमला से। ये बड़े दिन से घर पे बाइक खड़ी हुई थी एंड इसको चलाया ना तो इसकी बैटरी हो जाती खराब। राइड किए हुए बहुत दिन हो गए थे मेरे को एंड मैं सोच रहा था कि आज के एटीएम कांगड़ा जाऊँ क्योंकि इसका एबीएस काम नहीं कर रहा है। एंड ये देखो एबीएस की लाइट आ रही है अभी तक। यार मन नहीं कर रहा कांगड़ा साइड जाने का। पेट्रोल वगैरह भराते हैं इसमें पहले, फिर देखते हैं कहाँ को निकलते हैं यार। तो एक्चुअल में मैंने गोप्रो यहाँ पे भी लगा दिया है, जो पिछली बार इसमें मेमोरी कार्ड करप्टेड थे सारे के सारे, तो एक नया मेमोरी कार्ड लिया मैंने। यहाँ से व्यू आ रहा होगा पूरा का पूरा आपको, तो डबल एंगल दिखाई दे रहे होंगे। इस वाले गोप्रो से भी दिखाई दे रहा होगा, इस वाले गोप्रो से भी दिखाई दे रहा होगा। सो काफी कूल लगता है ऐसे। अब दो गोप्रोज हैं तो दो गोप्रो से शूट करेंगे ना भाई लोग, है कि नहीं? सो एक्चुअल में मैं सोच रहा था कि ये वाला गोप्रो मैं सेल आउट कर दूं क्योंकि अब मेरे को इस वाले गोप्रो का काम नहीं इतना, कितना कि हार्डली यूज कर लूंगा इसको। दो तीन बार शौक होगा मेरा, आगे लगा के रखूंगा ऐसे, फिर उसके बाद उतार दूंगा। अगर जो इंटरेस्टेड है गोप्रो खरीदने के लिए, 6-7 मंथ ओल्ड गोप्रो होगा ये हीरो 6 मेरा, जो इंटरेस्टेड है मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मेरा लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर यहाँ पे साइड में भी आ रहा होगा आपको। तो ये आ गया हमारे रिश्तेदार, सोनी के रिश्तेदार पे पहुंच गए हम। सो गाइस डन विद द रिफ्यूलिंग एंड यहाँ से सीधे सोच रहा हूँ मैं धर्मशाला की साइड निकलते हैं। That was a fucking nice wheelie. So actually में wheelie से इसका एंगल बिगड़ गया GoPro का। इतनी जोर से बाइक गिरती है ना नीचे कि GoPro तक हिल जा रहा है भाई पूरा। तो मौसम देख लो भाई लोग, धर्मशाला का क्या हो रखा है कोई पता नहीं है भाई यहाँ का। कब जैसे बारिश वगैरह हो जाए और कब जैसे धूप आ जाए, सारा अनएक्सपेक्टेड वेदर रहता है यहाँ का। कल हम जाएंगे इसका ABS ठीक कराने क्योंकि यार ABS ठीक कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो RC 390 की ब्रेकिंग है ना RC 200 से डिफरेंट है। RC 200 का भी मैंने चला के देखा, उसमें ABS नहीं है। पुराने मॉडल्स पुराने वेरियंट आते हैं उसमें सिंगल चैनल ABS तक नहीं है। वो वाली जब मैंने चला के देखी जो उनकी ब्रेकिंग है ना बाइक, उसको जब हम स्क्वीज करते हैं जो उसका कैलिपर है ना, वो इतनी प्रेशर से इसको रोकता नहीं है डिस्क को, तो टायर स्किट नहीं होता उससे। तो जो इसका कैलिपर है ना वो 2 times उससे वो डिस्क को पकड़ता है ना भाई, स्किट कर देता है इसका टायर। मेरे से तो भाई कंट्रोल नहीं होती, अगर ऑन द स्पॉट कोई बीच में आ जाए ना तो टायर रियर टायर स्किट मार जाता है, रियर टायर में आ रही है इसकी प्रॉब्लम। तो यार मेन धर्मशाला साइड बहुत ट्रैफिक थी, स्टेडियम वाले रस्ते से आ गया। इस वाले रस्ते में भी बाइक चलाने का अपना ही फन है क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा खाली रहता है और यहाँ से व्यू वगैरह भी बहुत प्यारा है यार। इसको फुल थ्रॉटल में भगाओगे ना RC 390 को, आपके ऐसा लगेगा आपका सोल ही थोड़ी देर के लिए पीछे रह गया है, बाद में आपको समझ आएगी कि आई एम मूविंग फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। मेरे को लग रहा भाई बारिश होगी, वापस हट जाना चाहिए। वैसे तो मेरा मन मैक्लोडगंज जाने का था भी, कि मैक्लो वगैरह जाता हूँ, किसी कैफे वगैरह में बैठता हूँ बढ़िया तरीके से। मौसम देखो ऊपर साइड, विद इन 30 मिनट्स वो यहाँ तक आ जाएगी बारिश। फक ब्रो डैम इट सन, मेरा ना रियर टायर ऐसे पुलिस वाला मेरे को बुरे हाल से देख रहा था भाई। व्हीली भी हल्की सी पॉपअप हो गई थी अभी पीछे, रियर टायर ने एकदम से स्किट हो जा रहे हैं ऐसे ऐसे बेवकूफों की वजह से। एनीवेज ऐसे ऐसे छोटे मोटे सीन चले रहते हैं एंड ऊपर साइड देखो कितनी बारिश वाला मौसम हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक मेरे को घुमाई ही लेनी चाहिए वापस, कोई फायदा नहीं होने वाला ऊपर जाके। अबे हम जा रहे हैं श्रेयस से मिलने, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखता था ना पहले उनको पता होगा श्रेयस कौन है। काफी दिन हो गए ऐसे मिले हुए एंड इसका घर यहीं पे है पास में, इसको उठाते हैं एंड इसको कहीं लेके चलते हैं। सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करके रखा है एंड ऑलरेडी टाइम हो रखा है 3 बज रहे हैं, 3 क्या 2 बज रहे हैं। सो देखते हैं अगर ये जाने के लिए तैयार होता है कहीं, क्योंकि ऊपर साइड मौसम देख लो भाई। सो गाइस अभी श्रेयस भी आ चुके हैं, ये है श्रेयस, हेलो बोलो भाई यूट्यूब को। सो अभी इसको घर से उठा के ले गए, सोए हुआ था घर पे। सो अभी मोमोज वगैरह खाने जा रहे हैं। सर कहाँ जाना है मोमोज खाने? नहीं जा रहे अभी, कृपाल के पास मिल जाए तो ठीक है। सो कृपाल के पास मैंने एक बार मोमोज खाए हैं और मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। एक्चुअल में धर्मशाला में सबसे फेमस है ना, आज मैं पता है श्रेयस 7-8 साल के बाद जा रहा हूँ अग्रपाल के पास, तो देखते हैं कैसे मोमोज होते हैं। कि फूड ब्लॉगिंग का काम कर दिया अब हमने स्टार्ट। अरे एक मेरे को बाइक में बैठने की आदत नहीं है ना, वो लगता है इन जनरल अमीर लोगों की ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है बाकी को पैसे खर्च करने नहीं आते। तो गाइस ऐसे ऐसे बंदों को मैं साथ में ले गया, मेरे को खुद नहीं पता अग्रपाल की शॉप कहाँ पे है, इससे ज्यादा मेरे को पता है ये है बंद है तो पता नहीं लगा। ओ यार तो पॉपट बन गया हमारा प्लान में एक चेंज आ गया, अब हम जा रहे हैं प्लान पर, पता नहीं है भाई सब लेके जाते हैं कि नहीं। नहीं ले तो मैं चलूंगा भाई, पर बारिश लग गई ना मैं। सो गाइस ये रास्ता ऐसा खतरनाक है ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी एक्चुअल में, ये पूरा रास्ता जा चुका है और अभी भी और ये मेरे को यहाँ पे ले आया फिर से। उन्होंने मेरे को बोला खुला हुआ है, ये तो पूरी सड़क ही देख पूरी नीचे चिराशे घर वगैरह बच गए हुए हैं इस साइड रहे। देखो यार पूरी पूरी जमीन ही बैठ गई हुई है ये।
वो सड़क देखो नीचे आ गई है। शिट ब्रो, जिस पे हम खड़े हैं ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है, पर यार खतरनाक ही हो रखा है सीन। सो गाइस, आज हमारी किस्मत में मोमोज खाना नहीं है, फिर भी खा के रहेंगे, जा रहे हैं हम कहीं लगे। तो भाई मोमोज ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे योलगंज पहुंच गए। तो आज हम मोमो के हंट पे निकले हैं। भाई इस मोमो को ढूंढने के चक्कर में हमने 300 रुपए का तेल उड़ा दिया आज फिर से। ठीक है, चिकन के पैसे हमने मोमो में उड़ा दिए। फाइनली गाइस एक रेस्टोरेंट मिल चुका है हमें, क्या बैठते हैं। सो गाइस ये आ गए, फाइनली हमें मोमोज मिल चुके हैं। क्या बोलते सर, कैसे ना कैसे मिली। सो गाइस, श्रेयांश को तो मैं छोड़ आया था घर पे, जब हम ऊपर कैफे में बैठे थे तो बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी। फिर एट लास्ट मैंने अपने दोनों गोप्रोज वगैरह पॉकेट में डाल लिए, तो उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। तो अभी निकला हूँ मैं शाम के टाइम पे एक शॉर्ट स्पिन के लिए। शाम के टाइम पे मैं मतलब हमेशा निकलता ही हूँ बाहर, शाम का इवनिंग का टाइम मेरे को सबसे बेस्ट लगता है राइडिंग के लिए। स्कोर फिर से रिफिल करवाते हैं। सो गाइस एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम अपने रिश्तेदारों के घर, सोनिक के रिश्तेदारों के घर। यार इस टाइम मैं फंस चुका हूँ बुरे हाल से, इसका यार ये लॉक सिस्टम टूट गया हुआ पूरा, एंड स्क्रू ड्राइवर से खोलता था मैं और स्क्रू ड्राइवर भी घर पे रह चुका हुआ। सो यार बड़ी देर से मैं फेडल कर रहा हूँ इसके साथ, पर ये खुल नहीं रहा है। एंड सोनिक में पूरा पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका हुआ है। बड़ी देर से ढूंढ रहा था मैं स्क्रू ड्राइवर। हाँ इस साइड को घुमाना, बस बहुत बहुत धन्यवाद यार। फाइनली यार बहुत ज्यादा हासिल करने के बाद इसमें फ्यूल डल ही चुका है। मेरे को तो लगा था भाई आज तो मैं फंस गया, यहाँ तक आ ही गए हैं दाढ़ी तक। सो आगे एकदम छाला चक्कर मार आते हैं। यहाँ से तो यार व्यू ही फुल पावर, नेक्स्ट लेवल का व्यू होता है। सो यहाँ से चलते हैं दूसरी लोकेशन पे किसी, एंड उस लोकेशन पे जाके हम ब्लॉक करते हैं अपना एंड। सो यार हेलमेट पहन के ना बालों की हालत ही खराब हो जाती है एकदम। सो ऐसे कुछ व्यू पॉइंट में मैं खड़ा हुआ हूँ और ये है अपनी सोनिक, यार कितनी प्यारी लग रही है। एंड ये ग्राफिक्स स्कीम भी मेरे को बहुत प्यारी लगती है इसमें। सो एक्चुअली मैं अभी इस ग्राफिक्स स्कीम से बोर हो चुका हूँ, सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करा दिया जाए। बट जब इस साइड से देखते हैं ना इसकी ग्राफिक्स, इस साइड से पूरी की पूरी स्टॉक हो चुकी है, ये स्टॉक रखी हुई है मैंने ताकि मेरा मन ना भरे, बट मेरा मन फिर भी भर चुका है यार इससे। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और रेगुलर ब्लॉग यार ऐसे रहते हैं, तो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। एंड कमेंट वगैरह जरूर करना एंड सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करना। सो दिस इज कैप्टन बाइक राइवर साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।